नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से हो। हाँ दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि किसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ कि जियो फोन का जो बहुत ही खतरनाक एक प्रॉब्लम्स होता है जो यहाँ पे लिखा आता है, बार बार हर फोन में आता है और सभी लोगों को फेस करना पड़ता है। तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसका बहुत ही आसान तरीका है। तो ये प्रॉब्लम आता है क्या कि यहाँ पे लिखा आता है योर फोन इज रनिंग आउट ऑफ स्पेस। बार बार यहाँ पे लिखा आता है योर फोन इज रनिंग आउट ऑफ स्पेस। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं काम होता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। इस वीडियो को थोड़ा 2-3 मिनट का वीडियो है, इसके बाद आप लोगों को ये प्रॉब्लम का कोई फेस नहीं करना पड़ेगा। ये आप खुद ब खुद कर सकते हो, किसी भी सर्विसिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही 2 मिनट में चुटकियों में ये काम हो सकता है। ये प्रॉब्लम क्यों आता है, इसका जो एक ही कारण है, जो इस फ़ोन का 512 MB का रैम होता है, बहुत ही कम रैम, 512 MB। तो ये नेट चलाने के वक्त, गान लोडिंग के वक्त, जो भी हो करते हो उसमें ये फिल हो जाता है, फुल फिल। तो रैम फिल होने के बाद आपको इसको तो यहाँ से नहीं हटा सकते हो, तो इसका एक ही तरीका है हटाने का, तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं उसको। तो रैम कैसे क्लीन करते हैं, रैम क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो इस फ़ोन ऐसे ऑन रहेगा, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको जो बोलता है इसको उतरना पड़ेगा। इसको उतरने के बाद क्या करना पड़ेगा, ये फ़ोन को ऑफ नहीं करना है, डायरेक्ट बैटरी को उतरना है। तो इसको बैटरी का रिमूव करने के बाद फिर से इसको लगा देना है। देख लीजिए कैसे इसको बैटरी को फिर से लगा देना है, सिर्फ उतरने के बाद लगा देना है। फिर क्या करना है, ये रेड कलर बटन और ये स्टार वाला, इसको एक साथ प्रेस करना है, ठीक है, एक साथ। तो चलिए एक साथ प्रेस कर लेते हैं इसको। फिर इसको एक साथ प्रेस करने के बाद देखिए ये वाला आएगा। फिर इसको क्या करना है, फिर इसको आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है रिबूट सिस्टम, एक नंबर पे, ये नहीं करना है आपको, नीचे आना है। यहाँ पे दिखा रहा है वाइप डाटा फैक्ट्री, यहाँ पे नीचे सिंपली ये नीचे वाला बटन प्रेस करके नीचे लाना है। फिर क्या करना है, ये रेड कलर का बटन है ना, इसको ओके कर, इसको प्रेस करने के बाद ओके करना है। ये वाला प्रेस किया तो इसको अब इसको यस कर देना है, ये रेड में ही ओके होगा, ठीक है। इसको प्रेस करना है, मतलब ये फ़ोन यस में आकर यस कर देना है रेड वाला बटन प्रेस करके। तो अब ये फ़ोन हमारा क्या हो गया, क्लीन हो गया, ठीक है। फिर क्या करना होगा, ये फिर वापस वहाँ पे ले जाएगा रिबूट सिस्टम। फिर इसको क्या करना है, रिबूट डाटा फैक्ट हो गया, अब क्या करना है, रिबूट सिस्टम करना है। ये पहले वाला नंबर पे ये रेड वाला बटन प्रेस करके ओके करके छोड़ देना है, ये फिर से वापस अपने आप ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये फ़ोन फिर से अपने आप ऑन हो जाएगा, देख लेना, इसमें जो डाटा है वो सब क्लीन हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, अगर ये रैम क्लीन करते वक्त अगर कुछ कॉन्टैक्ट्स या फिर कुछ भी हो या फिर आपका पर्सनल फ़ोटोज़ हो, तो आप उसको बहुत ही दूसरे डिवाइस में रख लेना, ठीक है, वरना ये भी सब कुछ डिलीट हो जाएगा आपका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब कुछ साइड में करने के बाद भी ये रैम क्लीन करना बाद ही। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। अगर और भी कोई प्रॉब्लम्स हो आपके फ़ोन पर, तो आप मेरे को नीचे कमेंट में ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, अगर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, शायद आप लोगों को थोड़ा फोकस में नहीं दिख रहा है। तो ये फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, तो ये फ़ोन ऑन हो गया है। तो इसको अब क्या करना है, लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है, फिर सिंपली फ़ोन हमारा एक्सेप्ट करने के बाद ऑन हो चुका है। देखिए ये पहले जैसा हो चुका है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब कुछ डिलीट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसको रैम क्लीन करते वक्त आप फ़ोन को प्लीज़ आपका जो पर्सनल डाटा है उसको थोड़ा साइड में कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को आसानी से
इस वीडियो को नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।